आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, कोल्ड सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय टिंडल इफेक्ट, कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये प्योरिफिकेशन करने का तरीका नहीं है, ये हमारी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोरल पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट का। अगर आप एक कोरल पार्टिकल्स में, ठीक है, इसको रखते हो कोल्ड सोल्यूशन को सेमी डार्क रूम में और पास करते हो स्ट्रोमियम ऑफ लाइट, तो जो लाइट का पाथ है वो दिखता है, चमकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये तरीका नहीं है प्योरीफाई करने का। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन होता है कोरल पार्टिकल का पीपीटी फॉर्म करना। लाइफोबिक पार्टिकल्स के पास जनरली हमारे पास जनरली क्या होता है, चार्ज होता है, जिसकी वजह से मिल नहीं पाते, क्योंकि सबका चार्ज यहाँ पे सेम होता है, ऑलमोस्ट मिल नहीं पाएंगे तो पीपीटी नहीं बन पाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसमें जो के प्लस है वो कैटायन है, सील माइनस एनायन है। कैटायन क्या करेगा, कैटायन यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। तो ये प्योरीफिकेशन का तरीका नहीं है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, देखिए न्यूली फ्रेशली जो पीपीटी हमारे होता है, मान लीजिए आपने कोई पीपीटी बनाया है, FeOH होल थ्राइस का पीपीटी है, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, जो बड़ा पार्टिकल है इसका डायमीटर क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। आप क्या करते हैं फिर, इसमें हम लोग डालते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई यूज़ कर लिया, सपोज यहाँ पे मैंने यूज़ किया FeCl3, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेस्ड ऑन कॉमन आयन, ये एड्सॉर्प्शन दिखाएगा कॉमन आयन का, तो अपने ऊपर Fe3+ को एड्सॉर्ब कर लेगा। और जब ये Fe3+ के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, तो चूंकि सबके पास पॉजिटिव चार्ज है तो अब इनमें रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा इन सब में, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा इस तरह से, लेकिन सबके पास चार्ज बचेगा पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। और डायमीटर जो पहले बड़ा 1000 से बड़ा था, अब वो किस रेंज में आ जाएगा, 1 से बड़ा हुआ लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा अभी यहाँ पे कोलोइडल रेंज में, ठीक है। और कोलोइडल रेंज में आने की वजह से ये बन जाएगा हमारा कोल्ड पार्टिकल। तो तरीका होता है कोलोइड बनाने का, इसको प्योरीफाई करने का तरीका नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास तरीका होता है प्योरीफाई करने का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं जिससे हम लोग पास करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को, ठीक है। उसमें कोल्ड जिसमें जो DP होता है, DP के पार्टिकल्स उसको पास नहीं कर पाते हैं, केवल DM और जो इम्प्योरिटी होते हैं, ठीक है, जो जिनका बहुत छोटा साइज होता है वो पास कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें साफ DP मिल जाता है। फिर DP को हम लोग फ्रेश DM में डाल के नया सोल फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।